आणि बारावा खेळाडू तुमचा राखीव खेळाडू कंपल्सरी ट्रॅक सूट मध्ये असणं गरजेचं आहे, अन्यथा दोन धावांच्या पॅनल्टीला आपल्याला सामोरे जावं लागेल. आमच्या कमिटीचा नियमावली कडक असणार आहे. जलबाजी करे बिलकुल हमारे साथ जुड़िए रोशन पाटील शिरवली. मॅच खेळा जा रहा है निश्चित रूप से. अभि खेरने विपक्ष है पडघे क्रिकेट टीम के बीच में. सुरुवातीला खेरणे क्रिकेट संघाच्या वतीने आपल्या सर्वांच्या वतीने कालाने ज्यांच्यावर झडप घातली आज आपल्यातून निघून गेलेले आहेत ते खऱ्या अर्थाने खेरणे गावचे अष्टपैलू खेळाडू सचिन गोंदले यांना सर्वप्रथम आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली आणि संपूर्ण आपले रायगड समालोचक असोसिएशन जाणार आहे मित्रांनो. आपले अध्यक्ष संदीप पाटील साहेब इथे मेसेज दिलेला आहे. संध्याकाळी आपण सर्व जाणार आहोत सचिन गोंदले च्या घरी खऱ्या अर्थाने. परंतु वेल असे असतो की आपण नेहमी म्हणत असतो की टाइम इज नेवर वेट फॉर एनी वन हू हॅव टू वेट फॉर टाइम. वेल कधीच कोणाची वाट पाहत नाहीये तरी वेलेची मित्रांनो वाट पाहू लागतो. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली सचिन गोंदले यांच्यासाठी. तर खेरणे क्रिकेट संघाने लगेचच बघा नाणेफेकीचा कौल, नाणेफेकीचा कौल खेरणे टॉस विनिंग कॅप्टन खेरणे. टीम शुड इम्पॉर इमिजिएटली ऑफ द डिसिजन वेदर टू बॅट अँड फील. टॉस आपने जीता है बिल्कुल. टॉस का सिक्का आपके बाजू में उछला लेकिन हम आपका निर्णय जानना चाहते हैं. बिल्कुल जल्दबाजी करें. ये मैच हैज मैच इज अप करेक्ट ओनली 5 ओवर्स. ये मैच 5 ओवर का खेला जा रहा है बिकॉज वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम. हमारे कमेटी के पास समय काफी कम है. हाँ जल्दबाजी करें. रिया रानी टीम का बिल्कुल खेरणे क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता. टॉस जीतने के बावजूद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए रिया रानी स्पोर्ट पडघे क्रिकेट टीम को पहले नोटा दिया है. और पडघे क्रिकेट टीम के दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश से आपका एक प्रतिनिधि. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रिया रानी स्पोर्ट पडघे और खेरणे एंड खेरणे क्रिकेट टीम कैप्टन यू सेंड योर एक्स्ट्रा प्लेयर और कॉमेंट्री बॉक्स. खांदा क्रिकेट टीम के कप्तान शीघ्र टॉस के यहाँ पर हमारे कमिटी में आकर संपर्क करें. खांदा क्रिकेट टीम के कप्तान बघा आमचे मित्र विकी आणि अजय इथे आम्हाला इशारा करतात. मच्छिंद्र लवू इशारा बघा आपला क्षेत्ररक्षण करून घ्यायचं. बघा राखीव खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायच्या. यू सेंड युअर एक्स्ट्रा प्लेअर कॉमेंट्री बॉक्स टू गिव्ह अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स ऑफ द क्रिकेट प्लेअर एंड विच कॅन गिव्ह हेल्प आवर स्कोरर. आपका एक प्रतिनिधि हमारे कॉमेंट्री कक्ष में भेजे ताकि हमारे स्कोरर को मदद मिले. हम देख रहे हैं हमारे साथी स्कोरर नितेश भुईर किड़ुकपड़ा हमारी इस प्रतियोगिता के अपडेट्स देख रहे हैं. सुधीर और नितेश दोनों ने हमारा सभी कॉमेंटेटर का दिल जीता है दोस्तों. सुधीर अगला वे कोलवाड़ी स्वागत है आपका. अभिनंदन बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर प्लानिंग के लिए और इस प्रतियोगिता की बिल्कुल लाइव अपडेट्स हम बिल्कुल लाइव प्रेक्षेपण अपन पातो. प्राप्ती डिजिटलच्या माध्यमातून जितू गोंदले आणि सुजय म्हात्रे यांच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक घर बसल्या क्रिकेटचा आनंद घेतात तर सर्व प्रेक्षकांचं मी हनुमान क्रिकेट संघ पडघे यांच्या वतीने स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक आपलं आम्ही स्वागत करत आहोत. जलबाजी करे पहिले टॉस जीता खेरणे क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बावजूद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. रोशन पाटिल यदि इस मुकाबले की बात करें दोनों टीमें हैं काफी इन्फॉर्म टीमें अपने एरिया की टीमें हैं. बिल्कुल एक टीम अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेल रही है और एक टीम मेहमान है एक टीम यजमान है. और हिंदुस्तान की जो परंपरा है यदि किसी के घर पर मेहमान बनकर जाना है तो बिल्कुल खाले हाथ मत जाओ. हिंदुस्तान की परंपरा है. आरंभिक बल्लेबाज के रूप में हम देख रहे हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. बिल्कुल अनुभवी बल्लेबाज सुभाष ठाकुर और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन नेम विकास. जल्दबाजी करें बिल्कुल. खेरणे क्रिकेट टीम के कप्तान यू अरेंज योर फील्डर्स एज सून एज पॉसिबल. आप जल्द से जल्द फील्ड की रचना करें. आरंभिक बिल्कुल हमारे अंपायर हम देख रहे हैं मच्छिंद्र मात्री और अजय जो बिल्कुल पडघे क्रिकेट टीम की बड़ी पहचान है दोस्तों. दोनों काफी आक्रामक बल्लेबाज है और अजय को हम आज अलग यहाँ पर अंदाज के साथ देख रहे कि स्टाइल मेक द मैन. सुंदर वस्त्र धारण करने से आदमी को सम्मान मिलता है दोस्तों. एक अंग्रेजी में कहावत है स्टाइल मेक्स द मैन. सुंदर वस्त्र बिल्कुल आज वेगली स्टाइलिश हमारा बगाना मिलते. तो आरंभिक गेंदबाज है लंबे कद के गेंदबाज अभिषेक माली. पहली ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार. तेज गेंदबाज है रफ्तार के सौदागर पडघे पैवेलियन एंड से एटम ओटे विकेट. इस बार सुभाष ठाकुर ने गेंद के ऊपर प्रहार किया. गेंद जा रही मिड विकेट क्षेत्र में. शानदार फील्डिंग
मिसअंडरस्टैंडिंग एक ही रन और इसी एक रन सुभाष ठाकुर अपना परिचय देते हुए सुभाष ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, टीम का स्कोर बन चुका है रिया रानी पड़गे क्रिकेट टीम का बगर कोई फिकट को एक गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से लंबे कद के अभिषेक माली तैयार है। रोशन पाटिल यदि बात करें लंबे कद के गेंदबाज जब गेंदबाजी करते हैं तो कभी कभी बल्लेबाज को बैकफुट पर जाकर खेलना पड़ता है ताकि गेंद की लेन को परखना हर एक बल्लेबाज को कभी कभी मुश्किल बनता है। एग्जाम्पल है यानी कि दिगोड़े क्रिकेट टीम के विश्वजीत ठाकुर की बात करें, यदि नावा 11 क्रिकेट टीम के वैष्णव भुईर की बात करें कि गेंद में काफी रफ्तार होती है। इस बार गेंद हवा में लॉब किया है, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन के ऊपर से दन दनाता हुआ शानदार छक्का। शुक्रिया डीजे मास्टर। 6 रनों के साथ ए बल्लेबाज ने विकास ने अपने पारी की शुरुआत की और हमारे साथी स्कोरर नितेश भुईर किड़ुपड़े से बिलोंग करते हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस प्रतियोगिता के विकास पाटिल तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं कि जिस बल्लेबाज ने छक्के के साथ पारी की शुरुआत की। कौन भूलेगा ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल को, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है कि 7 बार ये कारनामा कर चुके छक्के के साथ खाता खोला। ये गेंद इस बार गेंद को खेला है बिल्कुल वाइड लॉन्ग ऑन रीजन में वन बाउंस आउट फील्ड थोड़ी खराब, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे और यहां पर गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में आंखों में इशारा। दो बल्लेबाज हम देख रहे एक बाजू में सुभाष ठाकुर नौशाकर सीरियन पर खड़े और एक बाजू में एक आक्रामक रवैया अपनाते हुए विकास पाटिल पहुंच रहे अभिजीत आड़ पर एक छक्के की मदद से दो गेंदों का सामना किया टीम का टोटल अभी भी रिया रानी स्पोर्ट पड़गे क्रिकेट टीम का अगर कोई विकेट कोई 9। गेंदबाजी के लिए अभिषेक माली तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद थी निश्चित रूप से गेंद अंदर की तरफ आती हुई गेंद इस बार गेंद को कवर पॉइंट क्षेत्र में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का अंदूरा हिस्सा लगी सीधा गेंद शॉट फाइनल के रीजन में जब बिल्कुल कोई रन लेने का मौका नहीं और नतीजा आपके सामने एक सफल गेंद की समाप्ति। बिल्कुल शानदार मुकाबला दोनों टीमों के बीच में सभी तमाम दर्शकों को देखने मिल रहा है और सभी तमाम दर्शकों का इस प्रतियोगिता में बिल्कुल हम शान और शौकत के साथ स्वागत करते हैं। इस ओर की 5वीं गेंद अभिषेक फेंकने के लिए तैयार पड़गे पैवेलियन एंड से मारा करेंगे। शानदार गेंदबाजी शानदार वापसी पहले लगातार 3 गेंदों के ऊपर गेंदबाज काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए थे लेकिन उसके बाद में बिल्कुल लेंथ लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे। और रोशन यदि बात करें कोई भी गेंदबाज हो लेंथ लाइन और दिशा के साथ यदि गेंदबाजी करते गेंद में ज्यादा उछाल नहीं होती है तो बिल्कुल ऐसे विकेट के ऊपर गेंदबाजों को हमेशा मदद मिलती है। विकेट इस बार बिल्कुल गेंद को लॉब किया गेंद जारी है कवर पॉइंट क्षेत्र में गली के रीजन में दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे और तेजी के साथ गुड रन बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में 2 रनों के साथ टीम की ओर की अंपायर इशारा कर देते हुए ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद रिया रानी पड़गे क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है बगर कोई विकेट को 11। डीजे डीजे मास्टर और यहां से एक 200 नेक्स्ट घमासान फाइट खेली जाएगी मुकाबला देखने मिलेगा। यहां से देयरफॉर आई रिक्वेस्ट कीपर ऑफ द बोथ टीम्स नेक्स्ट स्पेक्टेकुलर मैच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर आवर व्यूअर्स विल बी प्लेड बिटवीन वल्लभ एंड खांदा। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट कीपर ऑफ द बोथ टीम्स वल्लभ एंड खांदा बोथ 11 क्रिकेट टीम कैप्टन प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर ए टॉस। टॉस के लिए आप संपर्क करें दोनों टीम के कप्तान योगेश भुईर हमारी इस प्रतियोगिता के आयोजक है कई बिल्कुल आपका इंतजार कर रहे हैं तो जल्दबाजी करें हमारी ओवर की समाप्ति। हमारे साथी स्कोरर यहां पर नितेश भुईर हमें जानकारी देते हुए कि अभिषेक माली खेरने क्रिकेट टीम की ओर से काफी महंगे गेंदबाज साबित हो चुके हैं। अभिषेक का गेंदबाजी का विश्लेषण 1 ओवर 11 रन कोई सफलता नहीं है और दूर वाले छोर से अभी गेंदबाजी में परिवर्तन यानी कि पहले ओवर की बात करें तो निश्चित रूप से 11 रन है और हमारे साथ जुड़े
बिल्कुल हमें गुरु मानते हैं सभी कमेंटेटर हैं, बिल्कुल मैं आपका स्वागत करता हूं निश्चित रूप से। यहां पर रोशन पाटिल, पहले और सर्कल के दायरे के अंदर जब खेली जाती है तो बल्लेबाज को मालूम होता है कि मैक्सिमम टू फील्डर्स आउट ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर दो फील्डर्स होते हैं और उसका फायदा उठाना चाहिए। नैनोबा विकेट, सुभाष ठाकुर के लिए एक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे, चकमा खा बैठे, नतीजा सफल, यहाँ पर सफल गेंद की समाप्ति। रोशन, एक क्रिकेट खेल में ये साजिश होनी चाहिए, ये रणनीति अपनानी होनी चाहिए दो बल्लेबाजों के बीच में, हर गेंद के ऊपर चौके छक्के से रन नहीं आ रही है तो बल्लेबाज ने एक या दो रन लेकर निरंतर अपने सिंगल्स या डबल्स के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, रन बन सकते हैं। ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, लॉब किया फाइनल के ऊपर से दन दनाता हुआ शानदार छक्का। मास्टर वलम क्रिकेट टीम के कप्तान शीघ्र संपर्क करें, 6 रनों के साथ सुभाष ठाकुर पहुंच रहे, 7 पर टीम का टोटल बन चुका है। रिया रानी पड़गे क्रिकेट टीम का बगर कोई फिक्र कोई 17, ये हुक शॉट खेला था बिल्कुल निश्चित रूप से, यहां पर पैरों के ऊपर बैकफुट पर जाकर खेले। और रोशन पटेल, कल हमने देखा था रोहित शर्मा को इस तरह की जब गेंदे फेंकते लेग स्टंप पर आती है, फुल टॉस गेंद होगी तो गेंद को पैवेलियन के बाहर ही जाना है। ये गेंद इस बार अक्रॉस द लाइन, वन बाउंस, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, खूबसूरत शानदार चौका। शुक्रिया डीजे मास्टर सैंडी मैंडी, ये आपकी पहचान, टीम का टोटल बन चुका है रिया रानी पड़गे क्रिकेट टीम का बगर कोई विकेट कोई 21। और ये बल्लेबाज को रोकना अभी मिट्टी से तेल निकालने के बराबर, या फलंदाजा रोकना म्हणजे निश्चित स्वरूपात खेरणे क्रिकेट संघाला वालवंटात पाणी शोधण्यासारखं, एक आक्रमक बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज। राइट अप मोर द विकेट, इस बार यहां पर रोकने का मौका है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, बल्लेबाज मिस्ड अंडरस्टैंडिंग, सुभाष ठाकुर को जीवनदान मिला, दूसरा रन मुकम्मल, दूसरा रन तेजी के साथ पूरा किया, टीम का टोटल बन चुका है यानी कि 23। रोशन पाटिल, कैश का मतलब क्या होता है? अंश 11 के पैकर शैलेश शैलेश शेठ माली यांचं आगमन झालेलं आहे, आमचे लाडके आयोजक सचिन शेठ भोईर साहेब पडगे यांच्या वतीने आपल्याला स्टेजवर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे या स्टेजवर। ये गेंद इस बार गेंद को खेला है डीप स्वेले क्षेत्र में, एक रन आसानी के साथ, और गेंद बिल्कुल बाउंड्री को चीर कर जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। शुक्रिया डीजे मास्टर, 4 रनों के साथ टीम का टोटल बन चुका है रिया रानी स्पोर्ट पड़गे क्रिकेट टीम का बगर कोई विकेट कोई 27। ईश्वर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, नैनोबा खराब गेंदबाजी करते हुए जोरदार अपील हुई थी लेकिन अपीलों में यहां पर साजी, इसी के साथ एक रन, अंपायर अजय का इशारा, लेग 22 का ओवर की समाप्ति, महंगे ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद रिया रानी पड़गे क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है बगर कोई विकेट कोई 28। डीजे डीजे मास्टर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, साजिद भी काफी महंगे गेंदबाज साबित होते, साजेश माली हमारे साथी स्कोरर नीतीश हमें जानकारी देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश इस जानकारी के लिए, काफी कमाल की स्कोरिंग करते हुए। ईश्वर की बात करें तो साजेश माली खेलने क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से काफी महंगे गेंदबाज साबित हो चुके। साजेश का गेंदबाजी का विश्लेषण, एक और 17 रन कोई सफलता नहीं है, और नामचीन बल्लेबाज सुभाष ठाकुर खेल रहे अभिजीत 17 पर दो चौके एक छक्के की मदद से, और विकास पाटिल खेल रहे अभिजीत 10 पर एक छक्के की मदद से। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, हम फील्ड की रचना देख रहे हैं, फर्स्ट लीव के रीजन में फील्डर है, फाइन लेग शॉट गली सिली मिड ऑफ लॉन्ग ऑन कवर पॉइंट डीप मिड विकेट फाइन लेग अभिषेक राइटम और द विकेट, जोरदार प्रार करना चाहते थे बल्लेबाज, रफ्तार से बीट किया बल्लेबाज को, गेंद तेज आई थी उतनी तेज गई सीधा विकेट कीपर के पास, कप्तान ने कोई गलती नहीं की और यहां पर गेंद को गैदर किया वापस गेंदबाज के पास। शैलेश शर्मा अपने लिए स्पर्धे जमचे लड़के आयोजक सचिन शेठ भोईर
शुक्रिया गेंदबाजी के लिए तैयारी, लंबे कद के गेंदबाज है दोस्तों, बिल्कुल गेंदबाजी के लिए अभिषेक तैयार है, गेंद फेंकने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट और ये गेंद जोरदार अपील हुई थी, भाग्य सलेरे बल्लेबाज रोशन पटेल। लंबे कद के गेंदबाज के बारे में बिल्कुल एक जानकारी देने चाहेंगे, लंबे कद के गेंदबाज होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा तेज गेंदबाजी फेंकते हैं। एक जमाना था हमारे हिंदुस्तान के भी कपिल देव और लेकिन सबसे दुनिया में सबसे लंबे कद के गेंदबाज थे वेस्ट इंडीज के जोहेल गार्नर, कर्टली एम्ब्रोज, कर्टली ऑर्स, क्या गेंदबाज थे, लंबाई क्या थी। और वेस्ट इंडीज के बिल्कुल इंग्लैंड के फील ये गेंद एक लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे, शॉर्ट पिच धीमे हाथों से गेंद को फेंका था और इससे कहते हैं दोस्तों कि एक दूसरे को परख कर बिल्कुल गेंदबाजी हो रही है। यहां से गेंद देखी थी बल्लेबाज की जो जोन है, बल्लेबाज का स्ट्रांग जोन को पकड़ कर बिल्कुल गेंदबाज बल्लेबाज की कमी को परख कर गेंदबाजी करे और ये बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप पर जाने वाले गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में खेलना चाहते थे, नाकाम रहे। विकेट इस बार बिल्कुल गेंद को लॉब किया, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन के रीजन में, बल्लेबाज सुभाष ठाकुर के पारी कान, पहला विकेट मैदान से बाहर। शुक्रिया स्पिन स्पोर्ट धाकता गांधा क्रिकेट संघाचे संघटक इथे आलेले आहेत, धन्यवाद। और पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ सुभाष ठाकुर अपने टीम के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर 17 रनों का योगदान देकर पैन में लौट रहे, दो चौके और एक छक्के की मदद से और पहला विकेट मैदान से बाहर। पड़गे क्रिकेट संघाचे माजी क्रिकेटर रामदास भोईर यांचं आगमन या स्टेज वर स्वागत है आपलं। बल्लेबाज विकास पाटील खेळले की तैयार। राइट ओवर द विकेट और इस बार गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑफ के रीजन में है और यहां पर गेंद जारी है 6 रनों के लिए, शानदार छक्का। शुक्रिया डीजे मास्टर और इसी 6 रनों के साथ तरिया रानी पड़गे क्रिकेट टीम का टोटल बन चुका, एक विकेट खोने के बाद 34। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला इस बल्लेबाज ने, आगे निकलकर पहले शॉट को सिलेक्शन किया था, कदमों का इस्तेमाल किया, कद का इस्तेमाल। और रोशन पाटिल हमारे साथ जुड़े, हमारे प्रवीण टेम्बे, कोई भी खिलाड़ी हो यदि जब तक आप कद का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप स्ट्रोक को कन्वर्ट नहीं करेंगे और ये बल्लेबाज ने पहले क्रीज छोड़ी थी। कल देखा था हमारे हिंदुस्तान के रोहित शर्मा को और क्रिकेट के कितने ऐसे बड़े बड़े कॉमेंटेटर हैं आप जानते हैं कि दोस्तों, माइकल होल्डिंग, निश्चित रूप से हमारे हिंदुस्तान के कपिल देव ऐसे दिग्गज कॉमेंटेटर हैं। मैथ्यू हेडन ने भी कहा था रोहित शर्मा के बारे में कि क्रिकेट दुनिया का रोहित शर्मा हिंदुस्तान का नहीं, क्रिकेट दुनिया का एकमात्र एकलौता क्रिकेटर है कि जिसके पास एक दिवसीय मैच में 300 रन बनाने की क्षमता है, वो एकमात्र बल्लेबाज है रोहित शर्मा। गर्व है हमें हिंदुस्तानियों को कि जिस क्रिकेटर के नाम एक दिवसीय मैच में 3 बार दोहरा शतक बनाने का गौरव जिन्होंने हासिल किया। जल्दबाजी नवीन चेंडू द्यायचा बघा, चेंडू जर सापडत नसेल, जल्दबाजी और इसी टीम का रुका हुआ स्कोर अभी भी है निश्चित से रिया रानी पड़गे क्रिकेट टीम का 34। विकास का जिक्र करना होगा, विकास खेल रहे अभिजीत यानी कि 16 पर 2 छक्के की मदद से खेल रहे, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे और निश्चित रूप से, और इस तरह का आप जानते हैं कि दोस्तों रोशन पाटिल की बात करें, जब कोई खिलाड़ी अपने टैलेंट में जोश भर कर प्रदर्शन करता है तो महज अपने लिए उपलब्धि हासिल नहीं करता बल्कि अपने तमाम फैंस। चेंडू द्यायचा बघा, चेंडू जर सापडत नसेल तर आपण दुसरा चेंडू सुपूर्द करा। सुनील भोईर साहेब पाहतो आपण क्रिकेटचा आनंद घेताना, पडगे गावचे आदरणीय व्यक्तिमत्व, राजकीय क्षेत्रात फार मोठं त्यांचं आदर सन्मान केला जातो, स्वागत असेल आपलं। तो दोस्तों चलते इस मैदान के ऊपर, बिल्कुल प्रिंस इलेवन क्रिकेट टीम ने काफी कमाल का प्रदर्शन किया था अंशिका स्पोर्ट के माध्यम से दोस्तों, प्रतियोगिता में क्या कमाल दिखाई थी, 10 गेंद थी। क्रिकेट एक ऐसा सवाल है, हम बार बार कहते हैं कि बट द क्वेश्चन इज द क्रिकेट, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द लास्ट गेम एंड द लास्ट बॉल एंड द लास्ट मोमेंट। बिल्कुल गेंदबाजी के लिए अभिषेक तैयार। नेटम ओवर द विकेट, ये गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई, बाद में लेट कर खेला गेंद जा रही शॉर्ट गली के रीजन में, एक ही रन, एक से ज्यादा कोच नहीं है जब तक गेंद उठा अपील करे। अंपायर मजेंद्र का इशारा ओवर की समाप्ति, महंगे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रिहा रानी क्रिकेट क्लब पड़गे क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है एक विकेट खोने के बाद 35। डीजे बाई बाई
और ईश्वर की बात करें, अभिषेक माली ने काफी कमाल की बल्लेबाजी की। अभिषेक का गेंदबाजी का विश्लेषण, इस ओवर में 7 रन एक सफलता और कोई मिलकर बिल्कुल 2 और 18 रन कोई सफलता नहीं है। इससे पहले जब मैच खेला गया था, रोशन हमारे साथ है, रोशन कोलवाड़ी क्रिकेट टीम के, सतीश भुईर ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी वल्लभ क्रिकेट टीम के खिलाफ। लेकिन गेंदबाज प्रवीण पाटिल का भी जिक्र करना होगा, वल्लभ के कमाल की गेंदबाजी की। ओ टू नई ओवर आरंभ की जाए, अंतिम 2 ओवर का आगे का आंखों देखा सुनाने चलते है हमारे साथ ही कॉमेंटेटर यहाँ पर रोशन पाटिल शिरवली। धन्यवाद महागुरु, नक्कीच एक चांगली स्पर्धा पाहतोय, अथांग महासागरावर अवतरलंय क्रिकेटचं हे भव्य दिव्य तारांगण। नाल्या सर्व प्रेक्षकांचं या शृंखलेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत, मोस्ट वेलकम। प्रेक्षक मायबाप आपण आहात या टेनिस क्रिकेट जगताचे मोहताज, त्या सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा शृंखलेच्या माध्यमातून लाख लाख आभार। 3 षटकांचा खेळ झाला, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावरती पाहिली 35 धावा धावफलकावरती, गोलंदाजीच्या मार्कवर येतोय अंकित गोंधळी, एक चांगला गोलंदाज पाहतोय, मोठा फटका ऑन ड्राइव, तिथे माझा क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, एक धाव पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धाडस केला जात नाहीये। अशा रीतीने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती पाहतोय तब्बल 36। कैलासवासी भरतदादा स्पोर्ट पडगे आणि जय हनुमान क्रिकेट संघ पडगे यांच्या माध्यमातून नगर सेवक चषक 2017 हे शानदार पर्व, नक्कीच एक रॉयल आयोजन, पंचतारांगी स्पर्धा आज या स्पर्धेचा आगाज होताना पाहतोय। तो गोलंदाज तयार, अक्रॉस द लाइन खेळण्याचा प्रयत्न, ए बी डिव्हिलियर्स स्टाइल फटका, तिथे मात्र विनोद तयार होता, इथे मात्र सल्ला मसल तू तू मैं आखो ये आखो में इशारा करणं गरजेचं होतं। जबरदस्त फेकी क्षेत्ररक्षक विनोदच्या माध्यमातून केली गेली, संघाची धावसंख्या एक नाकार घेणार, संघ जाऊन पोहोचलाय 37 धावा धावफलकावरती। नक्कीच एक चांगली स्पर्धा पाहते, स्कोरवरच्या भूमिकेत नितेशजी भोईर खिडूकपाडा, त्यानंतर व्हॉट्सअप अपडेटर सुधीर अगलावे कोलवाडी यांच्या माध्यमातून जबरदस्त या टुर्नामेंटला कव्हर केलं जात आहे, त्या दोघांना लाख लाख शुभेच्छा। लाईव्ह प्रक्षेपण पाहू शकाल प्राप्ती डिजिटल लाईव्ह, जितू गोंधळी, सुजय मात्रे आणि आदेजी मात्रे यांच्या माध्यमातून। पुढचा चेंडू पाहिला आपण, अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न पाहिला, ज्यांनी विचार केला गडगे सर खेळपट्टीवरती पदलालित्य करणं हे गरजेचं असतं, गुड क्रिकेटर इज अ गुड डान्सर, खेळपट्टीवरती पदलालित्य करणं तितकंच गरजेचं असतं, तशाच प्रकारची फलंदाजी या फलंदाजच्या माध्यमातून पाहतोय। बिलकुल, या पर निश्चित रूप से गेंदबाजी में बल्लेबाज के जो खडे रहते थोडी हलचल होनी चाहिए, यानी कि क्रीज को छोड़कर कभी कभी खेलना पड़ता है, बिल्कुल आपने सही कहा। विकास पाडीला खास फलंदाजी करणं गरजेचं असेल, धावसंख्येचा रणगाडा पाहिला, पुन्हा एकदा एक नाकार घेणार, संघाची धावसंख्या धावपुस्तकावरती पाहिली तब्बल 38। हा रोशन पाडी जर आपण विचार केला, त्याची सुरुवात 7 षटक आणि 14 षटकामध्ये खऱ्या अर्थाने कुठेतरी धावांवर अंकुश ठेवण्याचं काम मात्र गोलंदाज इथे करताना आपल्याला बघायला मिळतो। निश्चितच इकॉनॉमिकल गोलंदाजी कशी असते याचं उत्तम उदाहरण या गोलंदाजच्या माध्यमातून पाहतोय। पुन्हा एकदा नक्कीच डीप स्क्वेअरला भेदलं गेलं, तिथे मात्र विनोद तयार आहे, एकच धाव पूर्ण करतोय, सिंगल डबलला इथे मात्र प्राधान्य दिलं जात आहे, मात्र त्यानंतर येणाऱ्या षटकारांची आशा असेल निश्चितच पडगे संघाला। आणि याचं एकमेव कारण आहे, कारण आपल्याकडे ग्राउंड मोठा आहे, कारण एका धावेला आपण दुसऱ्या धावेमध्ये जर रनिंग गुड रनिंग बिटवीन द विकेट जर आपण करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामध्ये सफल झालो, तर 2 धावांमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो एका धावेला। निश्चित तशाच प्रकारची गोलंदाजी पाहतोय, मोठा फटका ऑफ ड्राइव, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात, दुसऱ्या प्रयत्नात विकेटचं पतन, तब्बल झटका लागतोय, दुसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज बाद होतोय विकास पाटील। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बनकर कवाली, शीर दीवाने शिर्डी साई आणि कार्यालयात एकवीर आई असं नक्कीच आपण नामग्रह पाहू शकाल। संघाची धावसंख्या तब्बल 4 षटकांचा खेळ झाला, 4 षटकांच्या खेळीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 39। रोशन खऱ्या अर्थाने इथे विकेटचा पतन झाला, फलंदाज खऱ्या अर्थाने बाद होऊन तंबूत परततो, परंतु जर एक दिवसीय सामन्याचा जर आपण विचार केला, जगामधला पहिला एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मॅचचा जर आपण विचार केला, तर पहिला विकेट कोण बाद झाला होता, पहिला बली क्रिकेट दुनियाचा कोण असेल, तर इंग्लंड क्रिकेट संघाचा माजी संघनायक जे बॉयकॉट, याला 1971-72 जर विचार केला, तर ऑस्ट्रेलियाचा सर्वाधिक तेज गोलंदाज थॉम्सनने बाद केला होता, आणि तो क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये पहिला खेळाडू बाद होणारा।
नक्कीच विचार केला तर महागुरूंचा नक्कीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा पूर्ण नॉलेज जो भंडार त्यांच्याकडे आहे तो ओतण्याचा ती शिदोरी ओतण्याचा प्रयत्न आजच्या दिवसामध्ये पाहू शकाल. महागुरु गडगे सर, प्रवीणजी टेंबे, त्यानंतर प्रवीणजी अर्जुने आणि प्रेम सोनावणे यांच्या माध्यमातून जबरदस्त समालोचन पाहू शकाल. तर अशी विचार केला निश्चितच नितेश, तर पहिल्या दोन षटकामध्ये तब्बल धावसंख्या आली 28 आणि त्यानंतर महागुरु नक्कीच पाहिलं तर तिसऱ्या आणि चौथ्या षटकामध्ये फक्त धावसंख्या आली ती 11. म्हणजे क्रिकेट काय असतं याचं उत्तम उदाहरण. बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर एक अंग्रेजी में ऐसी काव या हिंदी में कहावत है कि बहती हुई नदी को बिल्कुल बहान लगाने की कोशिश कर रहे गेंदबाज. सुरुवातीला जर आपण गती बघितली तर अतिशय धावगती चांगल्या प्रकारे अतिशय गतिमान होती, परंतु तिथे त्याच्यानंतर गोलंदाजाने, कारण सुरुवातीच्या सत्रामध्ये आल्यानंतर आम्हाला थोडीशी माहिती मिळाली होती आमचे सहकारी मित्र गणेश म्हात्रे ज्यांच्या माध्यमातून जी विकेट बनवण्यात आली, त्यांनी सांगितले की जरी खेळपट्टीचा जर आपण विचार केला या विकेटवर जर चेंडू विकेट टू विकेट जर मारा करण्याचा गोलंदाजाने जर प्रयत्न केला आणि चेंडूला जर उचली मिळाली नाही तर कुठेतरी गोल फलंदाजांना रोखण्यामध्ये ते थोडंसं धावन जर बलिदान ना मिळाला फलंदाज बाद ना झाला तर धावानं कुठेतरी अंकुश असणार आहे या स्पर्धेकडे. पीच डायरेक्टरचा विचार केला तर फलंदाजांना अनुकूल आहे आणि गोलंदाजांना सुद्धा अनुकूल असलेली खेळपट्टी. अतिशय सुरेख आपण इथे प्रतिक्रिया, कारण ये विकेट की बात करे तू बढती जाएगी तो रोशन ये विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी आसान बनती जाएगी. शाम के सत्र में, दोपहर के सत्र के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर तेज तरार शॉट देखने मिलेंगे दर्शकों को. नक्कीच चार षटकांचा खेळ झाला, चार षटकांच्या समाप्तीनंतर पडघे क्रिकेट संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचती 39. स्लॉगरचे षटक गोलंदाजीच्या मार्गावर, स्वतः नेता कर्णधार गोलंदाजीच्या मार्गावर पंकज माले मॅन फॉर्म खेळणे. नक्कीच पाचवा गोलंदाज गोलंदाजीच्या मार्गावर पाहतोय. नक्कीच सांगी कोट्यातील पाचवं षटक पंकज मालेच, संघाची धावसंख्या 39. हा जर पंकज मालेचा जर विचार केला आता या स्पर्धेचा आपले लाडके आयोजक आदरणीय सचिन शेठ भोईर यांचे परम मित्र शैलेश माली इथे उपस्थित नाही आहेत, परंतु शैलेश माली आणि पंकज यामध्ये जर आपण बघितलं त्यांचं सेम टू सेम बॉडी लँग्वेज बघायला मिळतो. नक्की त्यांच्या माध्यमातून 31 डिसेंबरला टुर्नामेंटचा आगाज असेल. नक्कीच सर्व प्रेक्षकांना त्या शुक्लच्या माध्यमातून नक्की सहर्ष स्वागत केलं जाईल. ते विचार केला सचिनजी गोंधळे यांचा अपघाती निधन, त्यानंतर खेळणा क्रिकेट संघ स्वतःला सावरला, स्टार नावन सचिनची ओळख होती या टेनिस क्रिकेट जगताच्या पटलावरती. आणि इथे मात्र विचार केला चक्र राहून सोडणारी गोलंदाजी पंकज मालीच्या माध्यमातून पाहिला, पहिला चेंडू निर्धाव, दुसरा चेंडू निर्धाव, किती कमाल धमाल आणि मालामाल गोलंदाजी. हा खऱ्या अर्थाने काही असं खेळाडूंना सुद्धा भारतीय नंतर आपण चर्चा करू बेल मिळाल्यानंतर. ओ टू रोशन पाटील, नक्की चांगली चांगली संधी दोन्ही संघांना असेल इथे विजेतेपद नक्कीच पडकावण्याची. ऑन साईडला ड्राईव्ह केला, इथे मात्र विकेटचं पद आणि तिसरा करारा झटका पडघे क्रिकेट संघाला. रोशन इथे आपण पाहतो पडघे क्रिकेट संघाची रिया राणी स्पोर्टची सुरुवात चांगली झाली, कारण असं म्हटलं जातं ऑल इज वेल दॅट एंड्स वेल, ज्याचा खऱ्या अर्थाने शेवट गोर त्याचं सर्व काही गोड, परंतु इथे शेवट कुठेतरी थोडासा चांगल्या प्रकारे होत नाहीये. नक्कीच विचार केला तर पडघे क्रिकेट संघाच्या पवेलीमध्ये स्मशान शांतता आणि जल्लोषाचं वातावरण खेळणे क्रिकेट संघाच्या नक्कीच पवेलीमध्ये पाहतोय. बोल्डिंग, दंडाबार, दांडीगुल, यशच्या उद्ध्वस्त फलंदाज बाद होतोय. सोपान जोशी बॅक टू द पवेलियन. सिक्युरिटी जे मास्टर सर्वांनी या खेळाडूंसाठी ताल्यांच्या आतषबाजीमध्ये स्वागत अभिनंदन करायचे. स्वागत या खेळाडूचं. मित्रांनो, रोशन पाटील जर विचार केला इथली तर खेळपट्टी बघितली अप्रतिम खेळपट्टी बनवण्यात आलेली आहे. फलंदाज गोलंदाज या दोघांसाठी नंदनवन ठरणारे विकेट आणि विकेट बनवण्यामध्ये सर्वाधिक फार मोठा अग्रेसर भूमिका कोणाची असेल तर हा नवीन फलंदाज मैदानावर जातो खेळपट्टीवर. गणेश म्हात्रेचं अभिनंदन आपल्या सर्वांच्या वतीने. नक्कीच त्यांना सुद्धा शुभेच्छा असतील. माझा पंकज मालेचा विचार केला, दोन चेंडू निर्धाव, त्यानंतर बॅक टू बॅक दोन फलंदाजांची मंबीर उडवली आणि नक्कीच गोल्डन चेंडू असेल विकेट हॅट्रिक या स्पर्धेची पहिली पडकावेल का पंकज माली. तो गोलंदाजीच्या मार्गावर राईट अप ओवर द विकेट, मोठा फटका नक्कीच शफल होतो काऊ कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू नक्की जातोय. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक चुकला जातोय, चुकीला माफी नसणार आहे. इथे मात्र धावसंख्या ठोकली,
तो नक्की सम पाहिले दगडी चाल मध्ये डॅडींचं वाक्य चुकीला माफी नाही तशाच प्रकारचं पाहतोय ज्या ठिकाणी एक धाव त्या ठिकाणी दोन धावा परावर्तित झाल्या संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचतीये 41 41 धावा धावफलकावरती तब्बल चेंडूंचा विचार केला एका चेंडूचा खेळ इथे माझा शिल्लक आणि नक्कीच ऑन ड्रॉप आवश्यक आहे नक्कीच तिथे माझा क्षेत्ररक्षक तैनात आहे जबरदस्त फिल्डिंगचा एफर्ट दाखवला जात आहे तू तू मै मै इथे माझा विचार केला चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन फलंदाजामध्ये पाहतोय अशा रीतीनं पहिलं पूर्वार्ध संपला जातो पहिल्या पूर्वार्धाचा विचार केला संघाची धावसंख्या धावफलकावरती पाहिली 43 43 धावा धावफलकावरती आणि 44 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी अंश 11 खेळणे संघाला डीजे मास्टर तुमच्याकडे आम्ही जातो सँडी आणि मॅडी शक्तीवाले बुवा म्हणाले की पूर्वीची राधा धुनी धुण्यासाठी गाठायची नदी हल्लीची राधा जाते कानाच्या आधी बियर बार मधी ग्लास भरून घोट घेते कधी कधी कंबर हलवी तरी मी म्हणते कान है रसाधी ऐक राधा साज शिंगार करून नटली सराधे लय लय दिसान कानाला भेटली सराधे साडी चोळी त उठून दिसली सराधे खर सांग कुणा कुणाला पटली सराधे पुढून मारून शुक्रिया डीजे मास्टर याच्यानंतरचा सामना होणार आहे सेकंड राऊंडचा पहिला सामना हनुमान क्रिकेट संघ वलप आणि प्रिन्स इलेव्हन धाकटा खाना छोटा खांदा यांच्या दरम्यान सामना खेळवला जाणार आहे आणि या सामन्याचा नाणेफेक करण्यासाठी मॅचचे प्रमुख पाहुणे कोपरेली गावच्या आदरणीय श्री मनोज शेठ मस्कर साहेब डे स्पर्धेचं गेल्या वर्षी बघितले यशस्वी आयोजक आणि आमचे समालोचक मित्र रोशन पाटील शिरवली यांचे मामा आहेत गेल्या वर्षी फार मोठी स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून कोपरेलीच्या मैदानावर बघितली स्वागत आहे आणि आता खऱ्या अर्थानं रोशन पाटील जर आपण विचार केला सँडीने चांगली धून वाजवली असे जे वन्स अगेन असणारे वन्स मोर असणारे आम्ही आमची तुमच्याकरता पुन्हा नंतर आम्हाला जर बेल मिळाली हीच पुन्हा आपण धून आमच्यासाठी पाठवायची आहे निश्चित स्वरूपात नाणेफेकीचा कौल वल्लभ क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेला आहे तो दोस्तो चलते बिल्कुल एक शानदार मुकाबला और रोशन इस मैच की यदि बात करें ये मुकाबला काफी बड़ा है बिल्कुल लेकिन उससे बेहतर ये मुकाबला कड़ा है इस विकेट की बात करें इस मैदान की बात करें रन बन सकते हैं इस विकेट के ऊपर इस मैदान के ऊपर लेकिन रन बनाने वाला चाहिए जल्दबाजी करें सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम याद देना चाहेंगे कि ये मैच निश्चित रूप से यहाँ पर रिया रानी स्पोर्ट पड़के विपक्ष है अंश 11 खेरने क्रिकेट टीम के बीच में मैच खेला जा रहा है यानी कि अंश 11 खेरने क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था रिया रानी स्पोर्ट पड़के क्रिकेट टीम को और रिया रानी पड़के क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित यानी कि 5 ओवर में 43 रन ठोककर 44 रनों का लक्ष्य यानी कि प्रति ओवर 8.8 की औसत से हमारे साथ जुड़े हमारे साथ ही कॉमेंटेटर रोशन पाटिल शिरवली प्रवीण टेम्बे वल्लभ हमारे स्कोरर है नितेश भोईर खिड़ुकपाड़ा और हमारे अपडेटर्स निश्चित रूप से सुधीर अगलावे कोलवाड़ी चंडू द्यायचा बघा त्याच्यानंतर लाईव्ह आपण पाहतो घर बसले प्रेक्षक 198 देशामध्ये इथं थेट प्रेक्षेपण आपण पाहतो ते आमचे सहकारी मित्र प्राप्ती डिजिटलचे ओनर्स आमचे मित्र जितू गोंधळी आणि सुजय म्हात्रे तुमच्या संपूर्ण टीमचं अभिनंदन आहे साऊंड सिस्टीमचा विचार केला तर रायगड ठाणे नवी मुंबईमध्ये एक धूमधडाकी एक फार मोठी ओळख जर कोणाची असेल तर आमचे सँडी आणि मॅडी सुजय तुमचं सर्वांचं सूरज अभिनंदन तो दोस्तों चलते इस मैदान के ऊपर बिल्कुल जीत के लिए यानी कि 44 रन चाहिए और उस लक्ष्य का पीछा उसी टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान में उतरे दो बल्लेबाज साजेश माली एंड विनोद माली आरंभिक गेंदबाज है सुभाष ठाकुर एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर पहली बार सर्कल के दायरे के अंदर खेली जा रही है बिल्कुल जब सर्कल के दायरे के अंदर जब मैच खेला जाता है तो बल्लेबाज को शुरू में मालूम होता है कि सर्कल के बाहर बड़े स्ट्रोक रोकने वाले फील्डर की संख्या कम होती है और ऐसे में हर एक बल्लेबाज गैप शॉट एक आक्रामक रवैया अपनाने की हमेशा कोशिश करते हैं उसी तरीके देखने दो आरंभिक बल्लेबाज दर्शकों के तालियों के बीच काफी बुलंद हौसले के साथ मैदान में उतर रहे दोस्तों इस एरिया में देखते इससे पहले हमने प्रतियोगिता देखी थी बिल्कुल हंसिका स्पोर्ट के माध्यम से भी निश्चित रूप से जो प्रिंस इलेवन
धाग छोटा खांदा टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। आज वल्लभ क्रिकेट टीम की बात करें तो प्रवीण पाटिल का जिक्र करना होगा, क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी। निश्चित रूप से दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए सुभाष ठाकुर तैयार, राइट हम और द विकेट साजिद के लिए। इस बार बिल्कुल लोफुल टॉस गेंद थी, ऑफ टंप पर जाने वाले गेंद को शॉर्ट गली के डिजाइन में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और नतीजा आपके सामने, एक सफल गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद की समाप्ति। रोशन यदि बात करें क्रिकेट का मुकाबला हमेशा गेंदबाज बल्लेबाज के बीच में खेला जाता है, गेंद और बल्ले के बीच में मुकाबला होता है, हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। गेंदबाजी के लिए तैयार, लोफुल टॉस गेंद थी, पूरे पूरे फायदा उठाया बल्लेबाज ने, गेंद जा रही डीप स्पेल एक सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए शानदार चौका। शुभ्रेडी जय मास्टर, चार रनों के साथ बल्लेबाज ने खाता खोला, तीसरा बल्लेबाज इस प्रतियोगिता का चौके के साथ खाता खोलने वाले बल्लेबाज, जोरदार अपील, लेकिन अपील को अंपायर ने खारिज किया। हमारे अंपायर हम देख सकते हैं, मेन अंपायर मच्छिंद्र आक्रमक बल्लेबाज है और स्पेल लेग अंपायर हम देख रहे अजय, स्टाइलिश क्रिकेटर, ताकतवर खिलाड़ी अंपायर की भूमिका निभाते और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति। हमारे साथ ही स्कोरर है नितेश, हमें जानकारी दे रहे कि साजिद विनोद इस प्रतियोगिता के तीसरे नंबर के बल्लेबाज बन चुके कि जिस बल्लेबाज ने पारी के चौके के साथ अपना खाता अपने पारी की शुरुआत की। इंटरनेशनल मैच में कारनामा रोहित बिल्कुल, वीरेंद्र सहवाग, सनय जयसूर्या और डेविड वार्नर ने काफी कारनामा किया है। गेंद जा रही है चकमा देकर फील्डर को, लॉन्ग ऑन रीजन में, फिर लॉन्ग ऑफ के रीजन में और गेंद देखते देखते मिस अंडरस्टैंडिंग, चार रनों के लिए। मास्टर बिल्कुल, जब समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे धुन के बारे में। गेंदबाजी के लिए सुभाष ठाकुर तैयार, राइट हम और द विकेट। इस बार गेंद को खेला सिली मिड ऑफ डिसीजन में, कोई रन की यहां पर संभावना नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर है खेरने क्रिकेट टीम का, अंश 11 क्रिकेट टीम का, बगर कोई फिकर कोई आठ। उगवला तारा भगवा ध्वज अपना था, एक धुन की उत्सव भगवा रंगाचा आभाली आज सजला। गेंदबाजी के लिए तैयार सुभाष ठाकुर, लो फुल टॉस गेंद थी, यहां पर वो किया गेंद को लॉब किया लॉन्ग लेग के ऊपर से, शानदार छक्का। बिल्कुल, और इसी के साथ छह रनों के साथ अंश 11 खेलने क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है। निश्चित रूप से बगैर कोई विकेट कोई 14। और रोशन पाटिल इस ओवर की बात करें, पड़गे क्रिकेट टीम, रिया रानी क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से सबसे अनुभवी गेंदबाज सुभाष ठाकुर काफी महंगे गेंदबाज साबित हो चुके। सुभाष ठाकुर का गेंदबाजी का विश्लेषण, एक और 14 रन कोई सफलता नहीं है। बल्लेबाज खेल रहे विनोद, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे, छह गेंदों का सामना किया, 14 रन ठोके, दो चौके और एक छक्के की मदद से कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली। नए गेंदबाज है निश्चित रूप से राहुल दरे, राहुल बिल्कुल, एक जमाने में बालू दरे ने काफी योगदान दिया था पड़गे क्रिकेट टीम को जब कप्तान थे बालू दरे। अशोक शट भोईर हमें जानकारी देते हुए पूर्व सरपंच के सुपुत्र है, जब भरत भोईर टीम के कप्तान थे वो जमाने में, वो बिल्कुल बालू दरे कप्तानी कर रहे थे और सबसे अनुभवी खिलाड़ी थे स्वर्गीय भरत भोईर। आज भी दोस्तों भरत भोईर का बिल्कुल यहाँ पर स्मरण में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस ओर के पहले गेंद एक्रॉस द लाइन, गेंद जारी है डिफाइन लेग, वन बाउंस टू बाउंस, सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। शुक्रिया मास्टर, टीम का टोटल बन चुका अंश 11 खेलने क्रिकेट टीम का 18 और ये चौथे बल्लेबाज बन चुके साजिद माली की चौके के साथ खाता खोलने वाले बल्लेबाज। इस ओर की दूसरी गेंद राहुल, राइट हम ऑन द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ी गेंद में उछाल थी, गेंद जारी है,
थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए बैक टू बैक दूसरा खूबसूरत चौका। शुक्रिया। और इस टीम का टोटल 22 गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। राइट मोर द विकेट और इस बार गेंद जारी है। वन बाउंस टू बाउंस फाइनल सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए और चौके की पहली हैट्रिक, शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम का टोटल बन चुका है यानी कि 26। शुक्रिया डीजे मास्टर। खराब गेंदबाजी करते हुए राहुल तीन चौके दाग चुके हैं। छह चौके के बारे में रोशन में जानकारी देना चाहूंगा बाद में। ये गेंद थी, अच्छा मौका है और इस बार गेंद को खेला है। शॉट एक्स्ट्रा करके रिजल्ट में एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। टीम का टोटल 27। रोशन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की यदि बात करें तो 1982 के दशक में इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान के ऊपर संदीप पाटिल ने इंग्लैंड के बॉब विलिस के एक ही ओवर में छह चौके दागे थे। एक ओवर में एक रिकॉर्ड था, वो जमाने का पहला रिकॉर्ड था। और ये गेंद हवा में बिल्कुल, गेंद के नीचे फील्डर, करीब भी मामला हो सकता है। बल्लेबाज के निकांत, पहला विकेट बैक टू द पैवेलियन। शुक्रिया डीजे मास्टर का भी अच्छी धुन। अभी भी रुका हुआ स्कोर यानी 27 रन और गेंदों के बीच में समीकरण, 19 गेंदे बचे और जीत के लिए 17 रन चाहिए। रोशन धुन बजाई थी बिल्कुल अच्छी कि मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में हम न होंगे, बिल्कुल अच्छी धुन थी। क्या सैंडी मैडी, इसलिए तो आपकी बड़ी पहचान है। अभी दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार है गेंदबाज। एक बार फिर से राहुल, राहुल की गेंदबाजी का सामना करेंगे बल्लेबाज साजिद। कमाल की बल्लेबाजी साजेश। रिवर्स स्वीप शॉट, गेंद जारी है, फाइनल के ऊपर से दन दन आता हुआ शानदार छक्का। शुक्रिया डीजे मास्टर। छह रन, शानदार स्वीप शॉट खेला। टीम का टोटल बन चुका है यानी कि 33। आंस 11 खेलने क्रिकेट टीम का रन और गेंदों के बीच में समीकरण बन चुका है यानी कि 18 गेंदे और जीत के लिए 11 रन चाहिए। रिवर्स स्वीप छक्का, इस प्रतियोगिता का पहला छक्का। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो साउथ अफ्रीका के एक जमाने के दुनिया के मशहूर फील्डर जॉन्टी रोड्स ने क्रिकेट दुनिया में पहला कारनामा किया था। तो अंतिम गेंदे बची 18 और जीत के लिए 11 रन चाहिए। उसका आगे का आंखों देखा सुनाने चलते हमारे साथी कमेंटेटर रोशन पाटिल के पास। धन्यवाद महागुरु, नक्कीच अतिशय चांगली स्पर्धा पाहतो। येणारे 18 चेंडू जिंकण्यासाठी 11 धावांची दरकरार, अतिशय सुरेख लढत पाहतोय। दोन्ही बाजूने संघर्ष केला जातोय, मग अंतिम क्षणाला कुणाचा विजय असेल। तिसरा गोलंदाज गोलंदाजीच्या मार्गावर गणेशजी मात्र यांच्या माध्यमातून पिच बनवण्यात आली, खेळपट्टी त्यांच्या माध्यमातून बनली, म्हणजे खेळपट्टीवरती गोलंदाजी कशी करायची याचं उत्तम उदाहरण त्यांच्या माध्यमातून पेश केलं जाईल। तो गोलंदाज तयार गणेशजी मात्रे, हा तिसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज। फलंदाज पाहिला तर एका बाजूला पाहतोय अक्षय माली, अक्षय मालीला सुद्धा बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न पाहतोय निर्धाव चेंडूजी सांगता। अतिशय सुरेख प्रकारची गोलंदाजी गणेश मात्रे, नक्कीच तिसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज पाहतोय। याच्या माध्यमातून जर धावसंख्या रोखली तर कुठेतरी सामना नक्कीच पाचव्या षटकामध्ये जाईल। तो गोलंदाज गणेश तयार, जबरदस्त गोलंदाजी, फिरकीचा जादूगर गणेश मातेच्या माध्यमातून जबरदस्त गोलंदाजीचा मुजोरा पेश केला जातोय। आणि या गोलंदाजाबद्दल जर मनाचं झालं तर टर्मिनेटर गोलंदाज म्हणून ओळखला जातो। बालूशेट डरे पडगे आपलं आगमन झालेलं या अवस्थेवर, ओ टू रोशन पाटील। नक्कीच अशाच प्रकारची गोलंदाजी करणं गरजेचं असे निश्चित पडगे संघाला, मात्र विचार केला तर थोडस चेंडू बाहेर फेकला जातो। माझा सुरेख प्रकारची गोलंदाजी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून पाहतोय, म्हणजे फलंदाजाच्या शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न या गोलंदाजाच्या माध्यमातून पाहतोय। तर पंचांचा इशारा येतोय व्हाईटचा, नक्कीच जबरदस्त पंचांची भूमिका, या पंचांच्या माध्यमातून न्यायमूर्तीची भूमिका बजावली जाते। गोलंदाज तयार, रिवर्सचा मारा केला जातोय तलोजा एमआयडीसी मधील रिवर्सचा बादच्या फलंदाजीच्या मार्गावर अक्षय माले आग ओकताना पाहतोय।
नक्कीच चेंडूची वाट लावली बाहुबली स्टाईल फटकेबाजी या फलंदाजाच्या पॅड मधून सामना पाहतो अंश इलेव्हन बनाम एका बाजूला पडगे रियार आणि पडगे असा सामना पाहतोय. येणारे चेंडू असेल 15 जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज आहे. मोठा फटका हेलिकॉप्टर फटका खेळण्याचा प्रयत्न बिग 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 सिक्स षटकार विचार केला इथे सामना जिंकला जातोय गडगे सर. हा आताच्या प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये अंश इलेव्हन खेळणे क्रिकेट संघाने रिया राणी स्पर्ट पडगे क्रिकेट संघावर मात करून दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. त्यांचं मी जाणमान क्रिकेट संघ पडगे त्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने क्रिकेट संघाच्या सन्मान्य नगर सेवक चषक 2017 स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक अभिनंदन आणि पराभूत संघ पडगे क्रिकेट संघाचं हार्दिक स्वागत आम्ही पाहतो आमच्या स्टेजवर. आदरणीय इथे भोईर साहेब आहेत, आमचे सहकारी मित्र रुपेश शेठ म्हात्रे आहेत, प्रमोद शेठ अगलाबे कोलवाडी, त्याच्यानंतर मनोज शेठ मस्कर साहेब, राजू सुद्धा इथे आहेत. राज आपले आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत करतो. या स्पर्धेला पंच म्हणून आमचे सहकारी मित्र मच्छिंद्र, त्याच्यानंतर अजय विकी, आपण फार मोठं योगदान आहे तुमचं सर्वांचं. आम्ही मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि बोलतो मित्रांनो या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच हमारे क्रीडाप्रेमी दर्शकों के दिल में और मन में हलचल होगी कि कौन होगा इस मैच का मैन ऑफ द मॅच. तर मॅन ऑफ द मॅच का यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है और राउंडर परफॉर्मेंस यानी कि बिल्कुल 5 बॉल में शानदार यहाँ पर दन दनाती हुई पारी खेलने वाले 19 रनों का योगदान देने वाले जहाबाद बल्लेबाज 3 चौके 1 छक्के की मदद से साजेश माली. साजेश यावा आपण मालिक स्टेजवर, स्वागत आहे आपलं आणि हे पारितोषिक वितरण करण्यासाठी आम्ही आणि सामनावीराचा पारितोषिक देण्यासाठी आम्ही आमंत्रित करतो सन्माननीय मनोहर सेठ मस्कर साहेब.